जब अमरनाथ की गुफा में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे रिकॉर्डिंग देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, अमरनाथ की गुफा भारत की सबसे पवित्र गुफाओं में से एक है, जो भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। अमरनाथ को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है और वो भगवान शिव को समर्पित है। हर साल हजारों तीर्थयात्री भगवान अमरनाथ की बर्फ से बने लिंग की बहुत श्रद्धा और आस्था से खतरनाक यात्रा को कर दर्शन करने आते हैं और यहाँ पर लगने वाले बर्फ के शिवलिंग की पूजा करनी होती है, जो भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। और आज हम अमरनाथ मंदिर से जुड़ी ऐसी रहस्यमयी और चमत्कारी घटना के बारे में बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अमरनाथ की यात्रा कोई आम यात्रा नहीं है। अमरनाथ एक बेहद खतरनाक और थकाने वाली होती है, लेकिन माना जाता है कि जब भी कोई अमरनाथ में आता है, उसकी सारी बीमारी और परेशानी, सारी थकान अपने आप दूर हो जाती है और इसका राज आज तक नहीं पता चल पाया है। और आज हम अमरनाथ में ऐसे महाभक्त के साथ हुई घटना के बारे में आपको बताने वाले हैं। एक महासाधु जो उत्तराखंड से हिमालय पर स्थित अमरनाथ की पैदल यात्रा करने आए थे। साधु की उम्र 95 वर्ष की थी, पर इस उम्र में भी उन्होंने लगभग 8 साल तक भटकते भटकते अमरनाथ की पैदल यात्रा करी, ताकि यात्रा के बीच में भी सभी महादेव के मंदिर के भी वो दर्शन कर पाए। साधु की महादेव के लिए वो निस्वार्थ भक्ति थी, ऐसी भक्ति कभी किसी ने नहीं देखी होगी। साधु 8 साल की पैदल यात्रा के बाद अमरनाथ पहुंचता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अमरनाथ में महादेव की बर्फ लिंग साल भर नहीं होती है, शिवलिंग अपने एक निश्चित समय पर ही बनती है। साधु अमरनाथ पहुंच तो जाता है, पर उसकी किस्मत में शायद महादेव के दर्शन करना नहीं लिखा रहता। वो जिस समय वहां जाता है, पूरा अमरनाथ खाली रहता है। साधु को समय का भी कुछ पता नहीं रहता और वो देखता है कि अमरनाथ की गुफा में महादेव का लिंग नहीं बन रहा है। ये देख साधु की आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो सोच लेता है, चाहे कितने ही महीने क्यों ना लग जाएं, परंतु वो महादेव के दर्शन किए बिना कहीं नहीं जाएगा। पर शिवलिंग बनने में 6 महीने थे, पास न खाने को कुछ था न पीने को, पर साधु की श्रद्धा और भक्ति इतनी थी कि स्वयं महादेव को भी उनके आगे झुकना पड़ा। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। साधु के लिए इस उम्र में भी एक दिन और भी भूखा रहना मौत को बुलावा देने जैसा था। साधु की बेहोश होने जैसी नौबत आ गई थी। वो रात को ठंड में अमरनाथ में विश्राम कर रहा था। भूख के मारे आधी रात को उसकी नींद खुलती है और वो उसके सामने रखी थाली को देखकर चौंक जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो उसकी भूख मिटाने के लिए न दाएं देखता है और न बाएं। सबसे पहले वो खाना खाता है, फिर अचानक से उसके दिमाग में ये बात चलती है, आखिर ये भोजन आया कहां से? यहां तो दूर दूर तक एक पक्षी तक नहीं दिख रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। साधु को कुछ समझ नहीं आता, आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, कैसे संभव है, उसे ओढ़ने के लिए कंबल, खाना, ये सब कहां से आ रहा है। अब वो जो देखता है उसे उसकी आंखों पर यकीन नहीं होता। ये सब उसकी सोच से भी परे था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो देखता है कि स्वयं महादेव का शिवलिंग, जिसकी एक झलक के लिए उसने 8 साल की कठिन तपस्या करी, इतनी रातें भूखा रहा, वो उसके सामने है और उसे दिख रही है। वो झूमने लगता है। उसे महादेव के चमत्कारों पर और भी ज्यादा यकीन होने लगता है। वो सबसे पहले शिवलिंग के अच्छे से दर्शन करता है और हर दिन वही महादेव की आराधना करता है। ऐसे करते करते वो समय आ ही जाता है जब दूर दूर से श्रद्धालु अमरनाथ की पूजा करने आते हैं। पंडित जी साधु को महादेव के शिवलिंग के सामने आराधना करते हुए देखते हैं। हर साल की भांति इस बार भी अमरनाथ की सुरक्षा में लगे सीसीटीवी को सबसे पहले देखा जाता है, लेकिन इस बार जो कुछ कैद हुआ वो कोई आम घटना नहीं थी। सीसीटीवी में वो हर चीज कैद हो जाती है जो साधु के साथ हुई थी। पंडित और कई श्रद्धालु उस कैद घटना को देखकर चौंक जाते हैं और अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते। सभी लोग साधु को धन्यवाद देते हैं कि उसकी वजह से आज उन्हें इतने बड़े चमत्कार को देखने का मौका मिला। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय अमरनाथ बाबा जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।